सवन हो गए, जरा देखना तो प्लीज के साहब उठे या नहीं उठे, उनसे कहना नाश्ता तैयार हो गया आ जाए। जी बाजी। साहब, साहब जी, साहब जी, बाजी साहब तो गहरी नींद सो रहे हैं। छुट्टी के दिन ना इनको उठाना बहुत ही मुश्किल होता है। तुम चाय देखो प्लीज, मैं उठाती हूँ, देखती हूँ। अरे आप फिर सो गए, मैंने कहा भी था जल्दी उठ जाए, फ्रेश हो जाए, आए उठे जल्दी। अरे उठ रहा हूँ यार, कयामत तो नहीं आ गई कि 10 मिनट ज्यादा सो गया तो। नहीं नहीं जमाल, मैं ये कब कह रही हूँ, मैं तो बस। अरे शैला बस करो यार, अब तुम्हारी ये बकबक चिक चिक फिर से शुरू हो जाएगी, सारा दिन तुम बहस करती रहती हो। यार छुट्टी का दिन है, थोड़ा आराम करने दिया करो। नहीं नहीं जमाल, मैं कब बहस कर रही हूँ, आप तो खामा नाराज हो रहे हैं, मैं तो। हाँ हाँ कह दो, मैं तो पागल हो गया हूँ ना, तुमसे लड़ता रहता हूँ। जमाल क्या ये खत्म हो गया? मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मेरे पराठे में घी ज्यादा डाला करो, आखिर तुम मानती क्यों नहीं हो? हर बात पे तुमने अपनी चलानी होती है। जमाल आपके लिए ज्यादा घी अच्छा नहीं है, इसलिए तुम फैसला करोगे कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं? जब मैं कमा के लाता हूं ना तो पकाया भी मेरी मर्जी से किया करो। बाजी मेरा काम खत्म हो गया, मैं जाऊं। हाँ तुम जाओ। कुछ तो ख्याल किया करें, कम से कम मुलाजमा के सामने तो बेइज्जत ना किया करें। जो तुम बेइज्जती कर रही हो मेरी, जो कहता हूं वो तुम बनाती नहीं हो, ना मेरे खाने का ख्याल रख रही हो तुम। मैं दूसरा बना देती हूँ, आप गुस्सा नहीं हो, आप प्लीज अपना मूड ठीक कर लें, मैं भी लेकर आई। ये ले, चाय भी मैंने दोबारा गर्म कर दी है। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? इतना कड़क पराठा। जमाल वो चूल्हे में गैस ठीक नहीं आ रही थी, चूल्हा सही से ना जले ना तो रोटी सख्त हो जाती है। नहीं खाना मैंने पराठा, खुद ठूस लो तुम। जमाल प्लीज, तुम्हें खाने को ना फेंके, रिस्क को नहीं टुकराते, वरना फिर रिस्क हमें टुकरा देता है। ये कुफरानी नेमत है जमाल। जमाल कहाँ जा रहे हैं, नाश्ता तो कर ले। कर लिया मैंने नाश्ता और कर लूंगा, बाहर सब कुछ मिल जाता है। जमाल प्लीज, जमाल बंद करो तुम अपने ये ड्रामा, मैं तंग आ गया हूं तुमसे और तुम्हारे इन ड्रामों से। और हाँ, मेरे वापस आने से पहले दफा हो जाना तुम इस घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
राम साहब सर चाय पीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये चाय पीऊंगा मैं? जब देखो नसीहतें जहन्नुम बना के रख दी मैंने अपनी जिंदगी से शादी करके। चैन सुकून सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इस कमबख्त को भी यहां खराब होना था। यार भाई मैकेनिक मिल जाएगा कोई? यहाँ एक गाड़ी खराब है मेरी। यहाँ अरीब करीब तो कोई मैकेनिक नहीं है। हाँ यहाँ से कोई 2-3 किलोमीटर पे है शायद। 2 किलोमीटर यार ड्रॉप कर दोगे मुझे? भाई पैदल चले जाओ, मुझे कहीं पहुँचना है, देर हो गई। ऐसे बड़े अफसोस की बात है, कोई परेशानी में तो लोग मदद ही नहीं करते, एहसास ही नहीं है। ओ भाई बाप का नौकर समझाए क्या? एक तो रुक गया मुसीबत में देख के, वरना कौन करता आजकल किसी का एहसास। बड़ा आया एहसास करने वाला। बंद करो तुम अपने ये ड्रामा। मैं तंग आ गया हूं तुमसे और तुम्हारे इन ड्रामों से। कितनी कोशिश करती हूं कि इनका मूड खराब ना हो, मगर हर बार ही मुझसे लड़ते रहते हैं। मेरे वापस आने से पहले दफा हो जाना तुम इस घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
अरे शैला का फोन। हाँ शैला बेटी, कैसी हो? अम्मी बस अब नहीं रह सकती मैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। बीवी हूँ, कोई जरखरीद गुलाम तो नहीं। अम्मी मैं बस आ रही हूँ। अरे शैला बेटा, पागल हो गई है क्या? अगर मर्द गलत फैसला करता है तो बर्दाश्त औरत को ही करना पड़ता है। बर्दाश्त ही तो नहीं होता अम्मी, औरत प्यार सह लेती है, धुतकार नहीं। ये क्या बात हुई? जब चाह धुतकार दिया और जब चाह सीने से लगा लिया। बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है, मगर गुस्से में किया गया फैसला ना जिंदगी बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। मैं सब कुछ सोच समझ के कर रही हूँ अम्मी, मैं बस आ रही हूँ आपके पास। खुदा हाफिज। यार भाई, मेरी गाड़ी यार चलते चलते रुक गई है यार, जरा चले मेरे साथ। कहाँ है गाड़ी? ये बस थोड़े से फासले पर। धक्का लगवा के ले आओ, स्टार्ट कर देंगे, 1,000 रुपए लेंगे। 1,000? यार ये तो ज्यादा मांग रहे हो तुम। मुफ्त में कर दूं, भूखा मार दें अपने बच्चों को। अच्छा यार ले लेना तुम, लेकिन धक्का किससे लगवाऊं, कोई सड़क पे है ही नहीं। अब तुम्हें आना पड़ेगा साथ। चलने के पैसे अलग होंगे, वैसे भी अभी दुकान पे बच्चा आया नहीं, दुकान छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ। तो फिर टाइम लगेगा भाई, गाड़ी स्टार्ट करनी है इसके बाद। कितना टाइम लगेगा यार, कोई और मैकेनिक नहीं है क्या यहाँ? अभी तो कोई और मैकेनिक नहीं है, मुझे आधा घंटा लगेगा तकरीबन। आप जब तक बराबर वाली गली में ढाबा है वहां पे चाय वाय पी लो। किस जगह? बराबर वाली गली में। चलो देखता हूँ। सब हाँ भाई, कोई ढंग की जगह है? सब बैठो, फर्स्ट क्लास जगह है, सब ये नाश्ता करता है। एक काम करो, चाय ले आओ, एक पराठा, अंडा है? हाँ सब। एक अंडा ले आओ। हाँ यार ये बर्तन जरा साफ सुथरे। हाँ बिल्कुल, एक अंडा पराठा, एक चाय। ये लो सब ले आयो। चाय 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 चाय। अच्छा बात सुनो यार, ये सिगरेट मिल जाएगी यहाँ से? आजाद मिल जाएगी, केबिन है बराबर में। एक मिनट। यार लगता है मैं वॉलेट गाड़ी में भूल आया हूँ यार। एक काम करो तुम, ये भी वापस ले जाओ। ये वापस नहीं होगा साहब। अरे यार सॉरी, गाड़ी में भूल आया हूँ यार, वॉलेट पर्स नहीं है मेरे पास। तो हम क्या करें साहब, पैसे तो देना होगा, पहले देखना था ना। अरे बदतमीजी क्यों कर रहे हो, तमीज से बात करो। चल निकल यहाँ से, बड़ा है बदतमीजी का बच्चा, हमको बदतमीज कहता है। पैसे निकाल वरना लगाऊंगा ये गाधा भी। अरे 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 इतनी सी बातें मारेगा, मुझे शर्म नहीं आती यार। बदतमीजी किस बात की? अरे बदतमीजी कर रहे हो यार तुम। चल निकल इधर से, भूखा नंगा, बड़ा है अंडा पराठा का, चल इधर से चल। अंडा पराठा खाएगा, जेब में पैसे तो नहीं आ जाते हैं। चल निकल इधर से चल। अबे जा। We'll be right back.
यार तुम तो कह रहे थे कि करीब में ही है गाड़ी, इतनी दूर पैदल चला दिया, रक्षा ही मंगा लेते। अरे सामने ही तो है। सामने क्या, 2 मील का सफर है, थका के मार दिया। क्या हुआ साहब? अरे यार गाड़ी का दरवाजा खोल के किसी ने सामान और पर्स निकाल लिया है। ओहो, यहाँ तो ये होता ही रहता है, और ये सड़क वैसे भी डेंजर है, यहाँ लूट मार होती है, ना कोई रोकता है ना कोई टोकता है। शुक्र करो गाड़ी नहीं ले गए, वरना यहाँ से तो गाड़ी भी गायब हो जाती है। यार बोनट तो खोलो तुम साहब। गाड़ी में ऑयल बिल्कुल खत्म है, बार बार तुमने स्टार्ट किए, बैटरी भी बैठ गई है। खुश नसीब हो भाई, गाड़ी का इंजन सीज नहीं हुआ। अरे तो ऑयल डाल दो, मसला क्या है? पैसे दे दो, ऑयल भी ले आता हूँ, बैटरी भी ले आता हूँ। अरे यार पैसे तो मेरे वॉलेट में थे, कार्ड्स भी चले गए। तो फिर क्या करना है? यार तू एक काम कर ले, गाड़ी को किसी भी तरह गैराज ले जा, ऑयल डाल दे, मैं पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ तेरे पास, ठीक है? अबे नौकर लगे हैं क्या? बे अजीब आदमी हूँ, इतनी दूर आया दुकान छोड़ के, अब कहते हो पैसे नहीं है। यार परेशानी में हूँ यार, एटलीस्ट बदतमीजी तो नहीं करो। दुकान छोड़कर यहाँ तक आया, झूठ बोलकर 2 मील पैदल चलाया, अब कहता है पैसे नहीं है। अबे बदतमीज तू है या हमें, सब हमें ही टकरते हैं। अच्छा गाड़ी है तो तू साहब हो गया, हम बदतमीज हो गए। भाई पैसे निकाल, संभाल अपनी गाड़ी, किसी और को बुला ले। अबे घूरता क्या है, घुसेड़ दूंगा। एक तो नेकी करो, ऊपर से बोलता है बदतमीज, बड़ा आया लाट साहब। अच्छा भाई माफी चाहता हूँ, मुसीबत में हूँ, एहसान होगा तुम्हारा, मदद कर लो। ये हुई ना बात, जमीन के लोगों से जमीन पे आके बात किया करो, वरना यह कड़फू जमीन के अंदर ले जाती है, समझा ना? हाँ हाँ समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तुम ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मैं लड़के को बुलवा रहा हूँ, तो करके ले आना पड़ेगा, तुम पैसे वैसे ले आओ। अरे माशाल्लाह सवारी आ गया भाई जान। ये जवान किधर जा रहा भाईजान? Phase 2 ले चलेंगे भाईजान, 800 रुपए होंगे बस। 800? अरे खुदा का खौफ करो यार, 8-10 किलोमीटर दूरी तो है। अरे खुदा का खौफ सिर्फ हम ही लोग करूं? अरे CNG बंद है, दिमाग खराब नहीं करो, चलना है चलो, नहीं तो कल्टी हो जाओ, रास्ता पकड़ो इधर से। चलना तो है। अरे चलना तो बैठो फिर, क्या है? तुम रुको 2 मिनट, पैसे लेके आता हूँ। अरे तुम लोग के पास पैसा नहीं है जेब में? अरे भाई मेरी गाड़ी में से किसी ने निकाल लिए हैं। 2 मिनट रुको, मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ। अरे एक बात बताओ, ये बिल्डिंग का दूसरा दरवाजा तो नहीं है, जैसे तुम इंटर हो उधर से कल्टी हो जावे?
क्या मतलब? अरे जवान, लोग बहुत जालिम है, इधर से उतरता है उधर से निकल जाता है और जानिस्ताद वेट करता रह जाता है, है? अरे छोटा आदमी ना छोटी ही बात करता है। अपार्टमेंट है मेरा, 2 मिनट रुको मैं लेके आ रहा हूँ। अरे हो, जानी उस्ताद नाम है हमारा, हम चाड़ी मत करना, हम बहुत अड़िया लू, फालतू बात नहीं करो, पैसे दो और कल्टी हो जाओ। अरे बात बताओ, तुमने छोटा किसको बोला? अरे तुमसे 2 इंच ऊपर हूँ, टक्कर मार कर नक्सीर खोल दूंगा तुम लोग का। अच्छा अच्छा भाई सॉरी, मैं ला रहा हूँ किराया, बस थोड़ा सा सबर कर लो। अरे प्लेट का नंबर तो बताओ पहले। 2 मिनट सबर नहीं कर सकते? अब 800 रुपए के लिए तुम्हें अपार्टमेंट का नंबर बता दूं? अरे जान, ऐसे ड्रामा में लोगों ने बहुत देखा है, लोग इधर से उतरता है उधर से निकल जाता है। प्लेट का नंबर बताओ फिर कल्टी हो जाओ। 713। 713 नहीं, 800 मेरा। अरे भाई हाँ हाँ 800, अपार्टमेंट का नंबर है मेरा 713। अरे ठीक है तुम ऊपर जाओ और सुनो जल्दी वापिस आना, अगर हम ऊपर आ गए ना तो 200 रुपए और चार्जेस करूंगा, उस पर 1000 रुपए हो जाएगा पूरा, कल्टी हो जाओ। जाओ ना, दूर क्या रहा है, कसम इतना खूबसूरत आदमी टका जेब में नहीं है, हीरो बना फिरता है। अरे प्लेट यही है ना इसका कंफर्म। ये फ्लैट लेके भी गलती कर दी, यूनियन वालों को कोई और काम ही नहीं है पैसा बटोरने के अलावा, हर वक्त लिफ्ट खराब रहती है। अरे बहुत देर नहीं लगा दिया तुमने, अरे क्या ऊपर पैदल गया था? अरे ये बताओ ऊपर लिफ्ट नहीं है जो ऊपर नीचे लेकर आता जाता है? अरे भाई घर लॉक है मेरा, बीवी शायद कहीं गई हुई है। अच्छा, अरे मासूम चेहरा, ये हम लोगों को टोपी ड्रामा नहीं चलेगा हम लोगों के साथ, पैसा दो और कल्टी हो जाओ उधर से। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो भजन दे रहा हूँ, भजन दे रहा हूँ, ये ले लो भाई, यही है और नहीं है भजन, अरे नहीं है बोल रहा हूँ भाई, मेरे पास कुछ नहीं है यार, खड़ा हो जा। नहीं है भजन, नहीं है, दे दिया आपको भजन, माफ करो। अरे हमारी जिंदगी का सबसे पहला मनुष्य आदमी है, तुम लोग के चक्कर में हम लोग का मोबाइल भी गया। अरे पैसा दे और नहीं तो तुम लोग का सर खोल दूंगा मैं। मेरे भाई मेरे साथ गुलशन चलो, मेरे दोस्त का घर है, वहाँ से लेके देता हूँ। अब गुलशन लेके जावे, 1000 रुपए लूंगा, 1000 रुपया। 1000 किस चीज के? नहीं रे, तुमको 300 में लेके जाएगा, सिंह जी तुम लोग का बाप का है। चलो गुलशन चलो। दिल तो चाह रहा तुमको कब्रिस्तान लेके जाऊं मैं, चुप करके बैठ रहा, समझ गया, दिमाग का नहीं निकल हम लोग का। जा।
अरे जल्दी आना। अरे दिमाग नहीं कहा हम लोग का। जी जवाद है। कौन जवाद? मेरा दोस्त, अभी कुछ दिनों पहले तो मिलके गया उससे, यहीं रहता है ना। अच्छा वो लोग तो चले गए, हम लोग नए किराएदार हैं, सॉरी। पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? पैसा मिले यार, मेरा दोस्त जवाब भी घर पर नहीं है। अरे तुम तो बेवकूफ बना रहा, अरे फ्री पॉकेट में पूरा शहर घूम गया तुम लोगों ने और हम लोग का पैसा नहीं दिया। अरे पैसा दो हम लोग का और कल्टी हो जाए, जैसे कल्टी हो जाओ। लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। अरे किस्मत तुम्हारा नहीं, किस्मत हमारा खराब है। अरे खुदा का कसम तुम लोग का इतना टुडे मारेगा, तुम रक्षा में बैठना भूल जाएगा भिखारी शक्ल। देखो तुम जबान संभाल के बात करो अपनी। अरे हम जबान संभाल के बात करें? अरे जानिस तरह से तुम बात करे, अरे इतना घूसा मारेगा तुम लोग का नक्सल खोल दूंगा मैं। फजूल बकवास नहीं करो तुम। अरे गिरमान पकड़ लिया तेरा है सब। अरे अरे तुम अरे मारे नाम को, अरे मारे नाम को। अरे गुस्से में था यार, गुस्से में था भाई। अरे क्या हो गया? अरे क्या करूं, करूं कहां जाऊं? जेब में ना पैसे हैं और ना ही मोबाइल। शहला भी पता नहीं कहां चली गई, तो बस एक कप चाय भी नहीं पी। भाई प्लेट कितने की है? 60 की। 50 की मिल जाएगी? ये लो सर। अबे जाहिल अंधा। ओए अंधा किसे कहा? आंखें निकाल लूंगा तेरी मैं। सर वो देखा नहीं मैंने। तो अंधा तू है ना, चला यहां से। ओ हीरो किधर? पैसे कौन देगा? ए भाई मैंने खाए थोड़ी हैं,
भाई तूने खाए नहीं खाए प्लेट तो बनवाई थी ना, चल निकाल पैसे। ये तो हो गए दही बड़े के, अब प्लेट के पैसे। अरे भाई मैंने थोड़ी तोड़ी है प्लेट, प्लेट के पैसे मैं नहीं देने वाला। अबे तू क्या, तेरा बाप भी देगा? हमने क्या ठेका ले रखा है? कोई आता है मांग के चला जाता है, कोई आता है प्लेट तोड़ के चला जाता है। अबे घुटा क्या है, पैसे निकाल। यार पैसे तो नहीं है मेरे पास। कंगले साले, चल निकल यहां से, दफा हो। सारे भूखे हमें ही टकरते हैं। चल चल चल, नजर नहीं आना। जमाल, जमाल, तुम यहाँ कहाँ? अरे नाज, इतने दिनों बाद, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, मगर तुम यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो भाई? टैक्सी रिक्शे का इंतजार कर रहा हूँ। चलो आओ, मैं गाड़ी में छोड़ देती हूँ तुम्हें। वो अरे आओ ना भाई, आ जाओ, आओ बैठो। चलो ये तुम इतने छुप छुप क्यों हो? इतने दिनों बाद मिले हैं, पूरे 3 साल बाद, तब ठीक तो है? हाँ हाँ तब ठीक है। और तुम सुनाओ, शादी हो गई तुम्हारी? शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम आए थे मेरी शादी में, वो भी अपने बेगम के साथ। ओ हाँ, सॉरी वो मैं भूल गया था। ये बताओ चाय पिला रहे हो? नहीं फिर कभी सही ना, वो आज जरा जल्दी में हूँ ना मैं। भाई परेशान मत हो, बिल मैं दे दूँ, वैसे भी कॉलेज में तुमने हमें बहुत चाय पिलाई है, अब पैसे होते हैं मेरे पास। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी चाय पिए और पैसे तुम दो, ये हो सकता है? तुम नहीं बदलोगे, सच बताओ याद आती है मेरी अब भी? चलो चलते हैं कहीं, चाय भी पीते हैं और कॉलेज की यादें भी ताजा करते हैं। अब नहीं वो तुम एक काम करो, मुझे यहाँ चौक पे ड्रॉप कर दो, यहाँ से घर जाते हुए ना कुछ सामान लेके जाना है, फिर मिलते हैं कभी, ठीक है? ड्राइवर साइड पे गाड़ी रोकना। वैसे सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत याद आते हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, कॉलेज में तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी तुम्हारे घर, फिर मिलते हैं। Bye.
पागल का बच्चा। अरे तेरी ऐसी क्या पट्टा डाल रखा है, पूरा थाना तुमने सर पे उठा हुआ है। अरे साहब हम लोग का गलती नहीं है, ये आदमी हम लोग के रक्षक के सामने आ गया मरने के लिए, हमने जब इसको गलती समझाने की कोशिश किया तो हमसे लड़ने लगा। ओए हीरो सही कह रहा है ये? अरे झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये बंदा इसने मुझे मारने की कोशिश की है। अरे हम क्यों मारूंगा सर, हमारे रक्षक के सामने आ गया, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, चुप हो जाओ दोनों वरना दोनों को अंदर कर दूंगा, वो लेके जाओ उसको। इंस्पेक्टर साहब ये तो कानून के खिलाफ है, आप बजाय मेरी रिपोर्ट लिखने के मुझे ही अंदर डालने की बात कर रहे हैं, इतना कानून तो मुझे भी आता है। ओहो बड़ा कानून जानने वाला है तू, है बड़ा पता है तुझे कानून का, वो लेके जाओ इसको अंदर, पेटी लगेगी ना तो पता पड़ेगा इसको बड़ा आया कानून सिखाने वाला, लेके जाओ। अरे साहब हम तो गरीब आदमी, हमको माफ करो, थोड़ा ख्याल करो भाई, गरीब आदमी। अच्छा तू जा, और हाँ चौधरी से मिलते हुए जाना, चलो। अरे साहब गले मिलके जाऊंगा मैं, जा बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब मेरी, इंस्पेक्टर जाने नहीं दे इसे, मेरी नहीं है गलती। साहब इसका क्या करना है? और इसको लेके जाओ अंदर, थोड़ी पेटी वेटी लगेगी तो पता पड़ेगा इसको कानून सिखाने वाला। चलो चल चलो। शहला बेटा शाम होने वाली है, जमाल घर आ गया होगा और तुमने सुबह से एक कॉल भी नहीं की, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। गुस्सा नहीं है अम्मी, ये बेबसी है मेरी, अब आपकी बेटी में ताकत नहीं है मजीद जलील होने की, उस आदमी को बहुत घमंड है खुद पर, फोन तो उन्हें करना चाहिए था, मैं नाराज होकर आई हूँ, मुझे मनाना चाहिए था, लेकिन देखिए एक फोन तक नहीं आया। फजूल बातें मत करो, अपना घर खराब करोगी, आदमी है गलती हो गई, भूल जाओ वो तुम्हारा शौहर है, बस इतना याद रखो कि अब जो भी है वही है तुम्हारा। हैरत है मुझे, अपनी बेटी की बजाय आपको दामाद की फिक्र खाई जा रही है, वो जब चाहते हैं बेइज्जत कर देते हैं, घर से निकल जाने के लिए कह दिया, अब घर से ही नहीं मैं उनकी जिंदगी से भी निकल जाऊंगी, वो घर नहीं जानू मैं अम्मी। देखो शैला बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, औरत ही घर को घर बनाती है, अगर औरत मर्द की बराबरी करने लगे तो घर घर नहीं जहन्नुम बन जाता है, अगर अपने जहन्नुम को घर बनाना है तो उसकी बराबरी मत करो। नहीं अम्मी, औरत मर्द के बराबर ही होती है, हैरत है मुझे आप माँ होके मुझे ये सब सिखा रही हैं। अपना घर खराब करोगी और कुछ भी नहीं करोगी। जल्दी से बता दे तेरा दूसरा पार्टनर कहाँ है। अरे सर जी, सर जी, अरे सर जी प्लीज। क्या हो गया, तब पेट में ज्यादा मरोड़ उठ रही है, लगता है तेरी खातिरदारी सही से नहीं हुई है। बहुत अच्छे तरीके से हुई है, अब प्लीज मुझे जाने दे, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। अरे बीवी की फिक्र छोड़ अपनी फिक्र कर। सर जी प्लीज मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया।
आप एक काम करें, मुझे पानी पिला दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। तेरे बाप ने सिविल लगाई है ना, बस पानी पिला दे। प्लीज रहम करे, मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब क्या करना है इसका, साहब इसका क्या करना है? अबे किसका? सर वही जो आपसे बदतमीजी कर रहा था और जो आपको कानून सिखा रहा था सर। अच्छा वो कैसे मिजाज है उसके, कुछ अकड़ खत्म हुई? साहब जी माफी मांग रहा था, हमने एक सिपाही उसके घर भेजा था, उसके घर पे ताला लगा हुआ था, आस पड़ोस से मालूम किया, पता चला बंदा शरीफ है, सुबह काम पे जाता है और शाम को आता है, और वैसे हमने साहब उसकी ठुकाई भी ठीक ठाक की थी। गुस्से का जरा तेज है। कुछ है उसके पास? क्या कहता है? कहता है भूख लग रही है मुझे, सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने। अच्छा ऐसा करो जाओ तो लेकर आओ। साहब। अरे सर ये तो मेरा वॉलेट है। फैक्टर साहब ये मेरी गाड़ी से चोरी हुआ था। सुन लिया ना, ये देखो ये तुम्हारी तस्वीर है। जी जी सर ये देखे मेरी तस्वीर है, ये देखे। हाँ सर तस्वीर तो इसी की है। अच्छा ऐसा करो ये इसको वापस दे देना, लेकिन कानूनी कार्रवाई पूरी कर लेना। अरे सर मेरे पैसे? चलो चलो जान बच गई, ये काफी नहीं है। मगर चलो चलो चलो। अरे देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है यार, पुलिया बना रहे? आज से पहले तो तुझे इधर नहीं देखा भाई। भिखारी हो? अबे ओ भिखारी नहीं हूँ मैं। भिखारी नहीं हो तो इधर बैठो, क्या कर रहे हो? खड़ा अरे गरीबों को हक में खाने के लिए आ गए यार। तो बस खाना नहीं खाया हुआ मैंने, घर बहुत दूर है, पैदल नहीं जा पाऊंगा भाई। रोटियां खत्म हो गई हैं, रोटी सालन आने में कम से कम एक घंटा लगेगा। थोड़ा सा खा लूंगा तेरा क्या बिगड़ जाएगा?
तुम ठीक कहती थी शहला। देखो आज मैं अपने गुस्से की वजह से कितना गिर गया हूँ। तू बस रोटी के एक लुकमे के लिए तरस रहा हूँ, मगर मुझे नसीब नहीं हो रहा। मुझे तुम्हारी कदर मालूम हो गई है, मुझे रिस्क की कदर मालूम हो गई है। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, मैं आ रहा हूँ। जमाल साहब, वो शैला मैडम आई थी। कब? घंटा डेढ़ पहले, फिर वापस चली गई। कुछ कहा कि कहाँ जा रही है, कब वापस आ रही है? कुछ कहा तो नहीं, लेकिन ये आपके लिए फ्लैट की चाबियां लेकर गई। चाबियां? जी। जब मैं ऊपर जा रहा था तब चाबियां क्यों नहीं दी? उस वक्त तो मैं खाना खा रहा था साहब। खाना छोड़ के कैसे उठ जाता, ये मुझे ठीक नहीं लगता। तब कुछ रिस्क के लिए तो करता हूँ साहब, तो छोड़ कर कैसे उठ जाता। मेरा अब्बा कहता था रिस्क छोड़ कर उठो तो रिस्क उठ जाता। कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरे पराठे में घी ज्यादा डाला करो। हर बात पे तुमने अपनी चलानी होती है। रिस्क को नहीं ठुकराते, वरना फिर रिस्क हमें ठुकरा देता है। ये कुफरानी नेमत है जमाल। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या खा रहे हैं? ये तो सुबह का पराठा है। सुबह से भूखा हूं शैला। रोटी को मैं ठुकरा के गया था, रोटी ने मुझे जगह जगह ठुकरा दिया। आप तो मुझे भी ठुकरा गए थे। ठुकरा के गया था, खुद ठोकर खा के मैं वापस आया। मुझे माफ कर दो। बीवी हूं मैं तो माफ कर ही दूंगी। आप अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह से माफी मांग ली है मैंने, तभी तो वापस आ गई हो तुम। ये क्या हालत बना ली है, अब छोड़े फ्रेश हो जाए, मैं दूसरा बना देती हूँ। नहीं शहला, मैं इसी को खाऊंगा। इस रोटी की मार बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। इसको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। जमाल,